ओके भाई लोग, तो लोकी सीजन 2 का थर्ड एपिसोड अब आ चुका है और ये वाला एपिसोड काफी 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 ऑसम है। इस वाले एपिसोड में हमें विक्टर टाइमली के बारे में काफी कुछ पता चला, तो आज हम एपिसोड 3 का पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बिग स्पॉइलर अलर्ट, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेमोना रेंसलेयर को देखते हैं जो शिकागो सिटी में आ चुकी है और उसको बुलाया है मिस मिनिट्स ने। मिस मिनिट रेमोना से कहती है कि क्या तुमने वो चीज लाई है। इसके बाद रेंसलेयर अपने बैग से एक पैकेट निकालती है, तब मिस मिनिट्स कहती है कि ही हू रिमेंस अब मर चुके हैं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक काम सौंपा था एंड उस काम को हमें दोनों मिलके अंजाम देना है। मिस मिनिट्स उस चीज को खिड़की से अंदर फेंकने के लिए कहती है। उस घर के अंदर एक लड़का है, वो उस चीज को खोल के देखता है और हमें पता चलता है कि वो एक टीवीए का गाइड है, वही बुक जिसे ओबी ने खुद लिखा है। ऑन द अदर हैंड टीवीए में प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई है। पिछले एपिसोड में जो ब्रांचेस मिटाई गई उसकी वजह से टेम्पोरो लोम पे जो लोड था वो अब थोड़ा सा कम हो चुका है, बट समहाउ फिर से ब्रांचेस क्रिएट होना शुरू हो चुका है एंड ओबी की हालत टाइट है। लोम की हालत फिर से बिगड़ने लगी है। इस पे ओबी कहता है कि मिस मिनट्स ही हमारी अब आखिरी उम्मीद है। तभी केसी को रेमोना रेंसलेयर की लोकेशन पता चलती है। वो दो जगह गई थी, शिकागो 1868 में और दूसरा शिकागो 1893 में। लोके एंड मॉर्बियस शिकागो 1868 में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें रेमोना रेंसलेयर का कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए अब वो शिकागो 1893 में चले जाते हैं जहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है। वो रेमोना रेंसलेयर को ढूंढने लगते हैं, तभी उनको वहाँ पे एक अखबार मिलता है और उस अखबार में मिस मिनट्स की न्यूज छपी होती है कि एक भूतिया घड़ी लोगों को डराती है। दोनों समझ जाती है कि हाँ, वे दोनों भी सही जगह पे आ चुके। आगे उन्हें एक बोर्ड दिखता है और उस बोर्ड पे लिखा होता है टेम्पोरल मार्बल्स। टेम्पोरल नाम सुन के उन्हें लगता है कि जी हाँ, हमें यहाँ पे हमारी काम की चीज जरूर मिल जाएगी। फिर वो अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर चले जाते हैं उन्हें सबसे पहले रेमोना रेंसलेयर दिखती है एंड देन टेम्पोरल लूम जैसी हूबहू एक छोटी सी मशीन दिखती है जिसको बनाया है विक्टर टाइमली ने, जो कैंग का एक वेरिएंट है। उसको देख के लोकी घबरा जाता है एंड मॉर्बियस से कहता है कि ये वही है, ही हू रिमेंस का वेरिएंट। उसके बाद विक्टर टाइमली अपनी मशीन का एक डेमो दिखा के कहता है कि मेरी मशीन पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, पूरी दुनिया को बिजली दे सकती है। ये देख के वहाँ के लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं एंड देन शो खत्म होने के बाद उस मशीन के लिए बोली लगती है एंड विक्टर टाइमली उस मशीन को $1,000 में बेच देता है। मशीन को बेचने के बाद विक्टर टाइमली वहां से जाने लगता है। तब लोकी मॉर्बियस से कहता है कि हमें उसे टीवी में ले जाना होगा क्योंकि यही हमारी मदद कर सकता है। लेकिन उससे पहले रेमोना रेंसलेयर विक्टर टाइमली के पास चली जाती है और कहती है कि हेलो सर जी, आपसे एक काम है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चलिए हमारे साथ। तभी वहां पे लोकी एंड मॉर्बियस भी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, विक्टर टाइमली तो हमारे साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो दोनों भी विक्टर टाइमली को कुछ बताना नहीं चाहते टीवी के बारे में, ना ही किसी और चीज के बारे में। इन सबके बीच में एक बंदा आता है और विक्टर टाइमली से कहता है कि ये क्या मशीन बनाई है तुमने, ये तो खराब हो गई, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। तब हमें पता चलता है विक्टर टाइमली एक नंबर का ढक्कन है जो लोगों को अपने सस्ते एक्सपेरिमेंट से लूटता है और उन्हें चूना लगा के भाग जाता है एंड देन विक्टर टाइमली वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो फेरीवेल के अंदर चला जाता है, लोकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी हंटर B-15 मॉर्बियस को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे टाइमलाइन में कुछ अजीब हो रहा है और तब हमें पता चलता है कि सिल्वी भी वहां पे पहुंच चुकी है। सिल्वी ने फर्स्ट सीजन में जो किया था, ही हू रिमेंस को मारा था, उसी सेम चीज को वो यही पे भी करना चाहती है, यानी वो विक्टर टाइमली को मारना चाहती है। वहाँ नीचे रेमोना रेंसलेयर और मॉर्बियस बातचीत कर रहे हैं। मॉर्बियस रेंसलेयर से कहता है कि हम दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, टीवीओ को बचा सकते हैं, बट दोनों को भी एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहाँ फेरी व्हील पे लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसको टीवीओ में ले जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पे सिल्वी कहती है कि इसे टीवीए के अंदर नहीं, टीवीए से दूर ले जाना होगा क्योंकि यह ही हू रिमेंस का वेरिएंट है, इसे मारना होगा। इस बात पे दोनों पे बहस छिड़ जाती है तो सिल्वी अपने मैजिक से दोनों को बाहर फेंक देती है। मौके का फायदा उठाकर मिस मिनट्स अपने आप को बड़ा करके लोगों को डराने लगती है। वहां पे अफरा तफरी मच जाती है और उस अफरा तफरी में विक्टर टाइमली एंड रेमोना रेंसलेयर गायब हो जाते हैं। विक्टर टाइमली रेमोना रेंसलेयर एंड मिस मिनट्स को अपने घर में ले जाता है एंड तब हमें पता चलता है कि विक्टर टाइमली एंड रेमोना रेंसलेयर के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये बात मिस मिनट्स को हजम नहीं हो रही। विक्टर टाइमली कहता है कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तो हम मेरी लैब में चले जाएंगे जो इस सिटी से थोड़ी सी दूर है। फिर वो सब एक शिप में बैठ जाते हैं एंड उस शिप में रेमोना रेंसलेयर एंड मिस मिनट्स ही हू रिमेंस के बारे में सब कुछ विक्टर टाइमली को बता देते हैं। लेकिन जैसे ही रेमोना रेंसलेयर विक्टर टाइमली को पार्टनरशिप के बारे में बोलती है, तब विक्टर टाइमली रेमोना रेंसलेयर को एक बोट के साथ पानी में फेंक देता है क्योंकि विक्टर टाइमली को किसी के साथ काम करना पसंद नहीं है, वो अकेला काम करता है। फिर विक्टर मिस मिनट्स के साथ अपने लैब में चले जाता है। विक्टर टाइमली के लैब में काफी सारी मशीन्स होती है, उनमें से एक छोटी सी मशीन उठा के वो कहता है कि ये मेरा आज तक का सबसे खास आविष्कार है और उसे वो अपने बैग में रखता है। मिस मिनट्स विक्टर टाइमली को कहती है कि
ही हू रिमेंस यानी तुमने मुझे बनाया। समय के अंत में हम दोनों आराम से रहते थे। लेकिन वो आगे कहती कि मुझे एक बात का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि तुमने मुझे कभी इंसानी शरीर ही नहीं दिया जो मुझे चाहिए। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस मिनट्स भी विक्टर टाइमली के प्यार में पागल है, यानी ही हू रिमेंस के प्यार में पागल है। मिस मिनट्स की ऐसी बहकी बहकी बातें सुन के विक्टर टाइमली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उसे बंद कर देता है। लेकिन तभी पीछे से रेमोना रेंसलेस टाइम स्टिक लेके विक्टर टाइमली के पास आती है और उसे धमकाने लगती है कि अब बहुत हुआ, तुम मेरे साथ चल रहे हो। उसी के साथ लोकी एंड मॉर्बियस भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे सिल्वी भी किसी तरह से वहाँ पे पहुंच जाती है। सिल्वी अपने मैजिक से सबको दूर फेंक देती है एंड अपनी तलवार को विक्टर टाइमली के गर्दन पे लगा देती है। लेकिन वहाँ पे विक्टर टाइमली रोने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो किया वो मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, वो कोई और ही था। तभी सिल्वी को रियलाइज होता है कि किसी और ने किया हुआ कांड किसी और के सिर नहीं डाला जा सकता, तो वो विक्टर टाइमली को छोड़ देती है। लोकी एंड मॉर्बियस विक्टर टाइमली को लेके टीवीएम में निकल पड़ते हैं एंड देन सिल्वी रेमोना रेंसलेयर को ही हू रिमेंस के महल में फेंक देती है, जहाँ पे हमें मरा हुआ ही हू रिमेंस दिखता है जो सड़ चुका है एंड ही हू रिमेंस के महल की हालत खराब हो चुकी है, वो गिर रहा है। एंड देन ये वाला एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। भाई ये वाला एपिसोड ना बहुत ही जबरदस्त था, मतलब अलग ही था, बिल्कुल अलग ही तरह की वाइब आ रही थी इस एपिसोड से। और आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। बस पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि विक्टर टाइमली अपने बैग में जो मशीन लेके गया है उसकी मदद से टीवी में कुछ कांड ना करे, या फिर कुछ और ही हो सकता है। खैर वो तो आगे ही पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले मेरा नाम है ऋषिकेश, कीप वॉचिंग द आरके एक्सप्लेन्ड।